अस्सलाम वालेकुम। आर टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम। एट फर्स्ट द न्यूरॉन। न्यूरॉन इज़ बेसिकली आल्सो नोन एज नर्व सेल्स और एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन्स जो होते हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। नर्वस सिस्टम की होल फंक्शनिंग जो है वो न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। इन्हें हम एक्साइटेबल सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नलिंग को ट्रांसमिट करते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं वन पार्ट ऑफ आर बॉडी से दूसरे पार्ट तक, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ है ये है कि नर्वस सिस्टम का ये कोर कंपोनेंट है क्योंकि इनकी तमाम नर्वस सिस्टम की तमाम फंक्शनिंग न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में हमें पता है कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल गैंग्लिया होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इनका काउंट, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं हमारी बॉडी में। ह्यूमन ब्रेन बेसिकली कंप्राइजेस टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स। हर न्यूरॉन जो है वो आगे थाउजेंड ऑफ न्यूरॉन्स से लिंक्ड होता है वे साइनेप्सिस। साइनेप्सिस जो होती है बेसिकली साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर हो रही होती है, जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा होता है। वो आगे हम देखते हैं कि वो प्रोसेसेस किस तरह से हो, वो प्रोसेसिंग किस तरह होती है। उसके बाद हमारे पास होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेसिकली न्यूरॉन्स का जो है, न्यूरॉन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। यूनिपोलर भी हो सकते हैं, ज़ीरोपोलर भी हो सकते हैं, बाईपोलर भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की सबके जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं वो सेम हैं, ठीक है, समहाउ सेम होते हैं। उसके बाद जो मेन न्यूरॉन्स के पार्ट हैं उनमें सबसे पहले आती है सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम अदर वर्ड्स में पेरिकेरियन भी कहते हैं या फिर सोमा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के साथ जो लास्ट पार्ट है न्यूरॉन का वो है एक्सॉन्स। तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं, एट फर्स्ट द सेल बॉडी, देन कम्स द डेंड्राइट्स एंड एट लास्ट इज़ द एक्सॉन, ठीक है। सेल बॉडी जो होती है बेसिकली वो सेंट्रल रीजन होता है न्यूरॉन का जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितनी भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी होती है न्यूरॉन की वो सोमा के अंदर हो रही होती है। हेयर इज़ द कम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। डेंड्राइट्स को शो किया गया है, एक्सॉन्स का बताया हुआ है, एक्सॉन टर्मिनल्स का बताया हुआ है और सेल बॉडी का बताया हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इन डिटेल। एट फर्स्ट कम्स द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो होते हैं बेसिकली ट्री लाइक ब्रांचेज होती हैं जो कि सोमा से आगे एक्सटेंड कर रही होती हैं, ठीक है। सोमा से एक्सटेंड कर रही होती हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई को, ये दोनों को डिटेक्ट करती हैं और इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ द डेंड्राइट्स होते हैं बेसिकली हाईली ब्रांच होते हैं और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो होता है वो नर्व सेल बॉडी का डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए और रिसीव करने के बाद सेल बॉडी तक ट्रांसमिट करने के लिए। डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसके बाद रिसीव करने के बाद सेल बॉडी तक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। ये डेंड्राइट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी को हमने जैसे स्टार्ट में देखा कि सेल बॉडी का अदर नेम सोमा भी है, पेरिकेरियन भी होता है। सेल बॉडी में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके अलावा जो न्यूक्लियस है वो ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म से कर्व होता है। साइटोप्लाज्म बेसिकली ग्रेन्यूलर होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और तमाम सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये रहा, ये होते हैं सेल बॉडी या फिर सोमा इन सर्कल्ड पोर्शन। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्सॉन। एक्सॉन बेसिकली लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन होती है सोमा की, ठीक है। दिस इज़ द नेम, एक्सॉन इज़ द नेम गिवन टू द लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन एंड एक्सॉन इज़ आल्सो नोन एज द नर्व फाइबर, ठीक है। लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन है, सबसे लंबा वाला पार्ट होता है न्यूरॉन का और इनकी जो लेंथ होती है वो अप टू अ मीटर होती है, ठीक है। एक मीटर तक इनकी लेंथ होती है। ये प्राइमरी कम्युनिकेशन पाइपलाइन का काम कर रहे होते हैं। एक एंड से हमने कहा डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद सेल बॉडी में ट्रांसमिट कर देते हैं। अब सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन एक्सॉन्स लेंगे, एक्सॉन्स टर्मिनल्स के थ्रू वही इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाएगी, इसलिए हम इन्हें प्राइमरी कम्युनिकेशन पाइपलाइन कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक वो पोर्शन होता है जो कि सेल बॉडी को एक्सॉन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, वो जंक्शन पॉइंट है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आता है एफेरेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं और एफेरेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं। एफेरेंट न्यूरॉन्स बेसिकली हम सेंसरी न्यूरॉन्स को कहते हैं, और जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस लेते हैं और CNS तक लेके आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कन्वे करते हैं, पेरिफेरल से लेते हैं और सेंट्रल को कन्वे करते हैं। इन्हें हम इनकमिंग नर्व्स भी, इनकमिंग न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ऑर्गन्स आते हैं बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आइज है, ईयर्स हैं, नोज है, टंग है, ब्लड वेसल्स है, मसल्स है, ग्लैंड्स हैं, ठीक है। वहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी है और लेके कहाँ तक आनी है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एफेरेंट न्यूरॉन्स। एफेरेंट न्यूरॉन्स बेसिकली हम मोटर न्यूरॉन्स को कहते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स का अदर नेम होता है आउटगोइंग न्यूरॉन्स, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। अब हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स लाइक योर आइज, नोज, टंग, मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड ग्लैंड्स। Here is the structure of at first axon hillock and then axon, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में माइलिन शीट। माइलिन शीट बेसिकली वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि एक्सोन की प्रोटेक्शन कर रही होती है और सिग्नल कंडक्शन को स्पीड अप कर रही होती है, और फैटी एसिड से, ये फैटी टिश्यू से ये मिलके बनी होती है। Here it is shown माइलिन शीट कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नोड्स ऑफ फ्रेनविर। नोड्स ऑफ फ्रेनविर बेसिकली नर्व फाइबर या एक्सोन के अंदर वो जंक्शन पॉइंट्स होते हैं जहाँ से सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल कंडक्शन को तो एड मिल ही रही है, साथ के साथ जितने भी न्यूट्रंट्स और वेस्ट होता है वह एक्सोन के अंदर एंटर भी हो सकते हैं। न्यूट्रंट्स एंटर होते हैं और वेस्ट एक्सोन को लीव कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्सोन टर्मिनल्स। एक्सोन टर्मिनल्स क्या हैं? एक्सोन्स हमें पता है कि एक्सोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेरी इनकी लेंथ डिफरेंट होती है, अप टू मिलीमीटर से लेके, फ्यू मिलीमीटर से लेके अप टू अ मीटर हो सकती है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और टोज़ के दरमियान में पूरी बॉडी में सेपरेट कर रहे होते हैं, और इनकी दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, एक्सोन कोलेटरल्स भी हो सकते हैं और एक्सोन टर्मिनल्स भी हो सकते हैं। जो एक्सोन कोलेटरल्स होते हैं वो बेसिकली साइड ब्रांचिंग होती है एक्सोन की, डेंड्राइट्स की निस्बत इनकी ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन समहाउ इनकी ब्रांचिंग होती है, और वो साइड ब्रांचिंग को हम एक्सोन कोलेटरल्स कहते हैं। जो एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं वो एक्सोन्स की और एक्सोन कोलेटरल्स की फाइन ब्रांचिंग होती है, जिसे हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। और एक्सोन टर्मिनल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज कन्वे करने के लिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है, जिसे हमने साइनेप्सिस का नाम दिया था। हेयर इट इज शोन एक्सोन टर्मिनल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं नर्व सेल नेटवर्क। नर्व सेल्स के नेटवर्क का मतलब है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज किस तरह से कन्वे करता है। हमने जो स्टार्ट में बात की थी कि न्यूरॉन जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग किस तरह हो रही है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को किस तरह मैसेज कन्वे कर रहा है, वो होता है बेसिकली साइनेप्सिस के थ्रू। और साइनेप्सिस जो होती है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में होती है। इसमें क्या होता है कि मैसेज ट्रांसमिशन हैपन्स एट द साइनेप्सिस इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं एक न्यूरॉन से और दूसरा न्यूरॉन को पिक कर लेता है, और इस तरह से मैसेज या इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जारी रहता है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।